अस्सलाम वालेकुम चाचा मियां। वालेकुम अस्सलाम बेटवा। ये गठरी वठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? गई रानी ही घूमे लौटत रानी ही तो सदनी तो आज चाची खाते साग सब्जी ले ली। इस उम्र में आप पैदल जा रहे हो, कोई लड़का नहीं जिससे आप सौदा मंगवा ले? अरे बेटा हमारा हाल मत पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब है, लेकिन कहा था ना सब पुत्र राम की एको ना काफी हुए हमारा। अरे चाचा ऐसा क्यों कह रहे हो, औलाद तो अल्लाह की रहमत है, आप अपने बेटों से इतना नाराज क्यों हो? हम तो अल्लाह से बस ये कहे नहीं, हमके जो देना सो देना, दूसरा के ऐसा लड़का बच्चा मत दियो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिला के 25 तो आए, सब अपन लड़का बच्चा लेके रात है, उन दोनों से कौनो मतलब ना। हम बूढ़ा बूढ़ी रात भर खाता था, दोनों अगर भूखे मर जाती। अरे तोबा तोबा, कैसे बच्चे हैं आपके, आपने उन्हें दीनी तालीम नहीं दी? तालीम कहा था बेटवा, हम सबके पढ़ाई नहीं, एगो लखनऊ में वकील हो, दूसरा मुंबई में अपन लड़का बच्चा के साथ रहेला, उन दोनों से कौनो मतलब ना। ये तो बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन चाचा मियाँ ये तो बता दीजिए, क्या आपने किसी को दीनी तालीम नहीं दिलाई? यही मारे सोच के ना पानी की हाफिज मौली बनी, मस्जिद मदरसा में नौकरी करी, 2-3 हजार रुपया खाई, खुदे खा खाई हुई, हमके का खिलाई। अस्तग़फिरुल्लाह, वाकई आपकी बहुत गंदी सोच है कि अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और हाफिज मौलाना बनेगा तो भूखे मरेगा। देखिए एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब कहाँ जाते वाले? मैं मदरसा इस्लामिया मतलब मिर्जाबाद में पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना साहब हम आपके मदरसे में हाफिजा करते हैं, लेकिन चाचा मियाँ कह रहे हैं कि मौलाना साहब 2-3 हजार पर नौकरी करते हैं, ये क्या खाएंगे और अपने बीबी बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो मौलाना साहब जरा अब इनको समझाइए। देखिए चाचा मियाँ, ये सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि हाफिज मौलवी कमा खा नहीं पाते, ये बहुत गंदी सोच है। जब खिलाने वाली जब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, जो रोज देता है, जो खिलाता पिलाता है, जो मारता दिलाता है, जो हर चीज का मालिक है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो हम पर लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिनको दस्तखत नहीं करना आता उनका नाम बड़े बड़े रईसों में शुमार किया जाता है। कोई भी इंजीनियर या डॉक्टर या वकील ना खिला सकता है ना पिला सकता है। कहीं आपने नहीं देखा होगा कोई हाफिज मौलवी भूखा मर रहा हो, या बेकार का घूम रहा हो, या खुदकुशी कर रहा हो, बल्कि हर पल उसकी इज्जत होती है। अगर आप आए तो आप उसे अच्छा से अच्छा खिलाएंगे। बीए पास है लेकिन घूम रहा है, डॉक्टर है लेकिन डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने को आता है कि फला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, फला वकील ने खुद को गोली मार लिया, फला दरोगा ने घर से बंद आकर झट से लटक कर खुद को फांस से लगा ली। क्या चाचा जी ऐसा है कि नहीं? देखिए चाचा जी, अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम दिया होता तो हर की जैसा ना होता कि वो आपका कहना ना मानते बल्कि आपकी खिदमत करते। यही मदरसों में सिखाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है और उनकी नाफरमानी करने उनको सताने से जहन्नम मिलती है, जबकि फरमाया गया है कि माँ के कदमों के लिए जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, जो की खिदमत नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। माँ बाप को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। माँ बाप की दुआ की औलाद को हक ऐसा लगती है जैसे बारिश के बाद खेती लहलहा उठती है। माँ बाप अपने औलाद को बद्दुआ ना दे और औलाद अपने माँ बाप को ना सकता है, वरना सख्त खता होगी। आई बात समझ में? कुछ कुछ आई। अच्छा आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? अच्छा गुसल के फराइज बता दीजिए। गुसल में 3 गो फराइज होला, पहला गरम पानी, दूसरा साबुन दानी, तीसरा ऊपर से नीचे तक
अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपके हिसाब से ये होंगे, आप ये बता दीजिए कि एक मुसलमान के ऊपर कुल कितनी वक्त की नमाजें फर्ज है? नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, जानकारी कर रहा हूँ। हाँ कि आप मुसलमान है, आपकी दाढ़ी है और आपके बाल सफेद हो चुके हैं, आपको मालूम ही होगा। ए बेटा, हम नमाज के बहुत पाबंद हैं। पहला जुमा की नमाज, दूसरा ईद की नमाज, तीसरा बकरीद की नमाज। बस बस, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला, आपने तो कमाल कर दिया। फर्ज बताया नहीं, पता नहीं क्या क्या बता दिया। कहाँ से सीखा आपने? अपने मदर से सीखा, हमारे उम्र के हो तब ना पता चला। देखिए मौलाना साहब के साथ कुछ बच्चे आए हुए हैं, जरा उनसे मालूम कीजिए। बेटा तो गुसल के फर्ज सुनाओ। चाचा मियां, गुसल में तीन फर्ज होते हैं। नंबर एक गरगरा करना, रोजा हो तो कुल्ली करना। नंबर दो नाक पकड़ना, पट्टी तक पानी पहुंचाना। नंबर तीन पूरा बदन में ऐसा पानी बहाना कि एक बाल भी बराबर सुखाना रहे। वजू में चार फर्ज होते हैं। नंबर एक पेशानी पर उसलेंगे, टूटी की नीचे तक, एक कंकलों से दूसरे कंकलों तक पूरा चेहरा धोना। नंबर दो दोनों हाथों को क्योरियों समेत धोना। नंबर तीन चौथाई से तमाशा करना। नंबर चार दोनों पांव धोना। इतना कम हम तो समझ जाने ही तकलीफ जो हुई, ये दोनों जाने कहां से निकला? आपको मालूम नहीं, मिर्जाबाद में एक मदरसा चलता है जिसका नाम मदरसा इस्लामिया मिर्जाबाद है, वहीं से सीखा है। सुने में तो आएगा दोनों मदरसा इस्लामिया खुलेगा जहां अरबी हदीस कुरान पढ़ाएगा? जी हां, कुरान हदीस उर्दू हिंदी इंग्लिश साइंस हिफ्ज़ सूरत दुआ नमाज, यहाँ तक कि अरबी भी सिखाई जाती है। अब तो लड़कियों का भी दाखिला होगा, जहाँ पर लड़कियों को आलिमा बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारा दाखिला हो गई इंशाअल्लाह, आपका भी दाखिला हो जाएगा। यहाँ बच्चे बूढ़े सबका दाखिला हो जाएगा। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, माँ के कोख से लेकर कब्र के गड्ढे तक कभी भी पढ़ा जा सकता है। इसीलिए आप यहाँ से पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, थोड़ी सी मेहनत पर आप भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। शुक्रिया बेटा, आज से हम दिन सीखा बोली, अपना पोता पोती के भी सिखाए। अल्लाह तो उम्रिया लंबी करे, दिन दुगुनी रात चौगुनी खूब तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये फरहान ग्रुप।